हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। जैसे कि आप सभी को हमने कहा था कि जो आपका एग्ज़ाम है, हो सकता है कि मई के लास्ट में या जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। प्लस मैंने ये भी कहा था कि जब तक कोई भी जो कोरोना है स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक कुछ भी आपका एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी खबर आई है और योगी सरकार का बहुत ही बड़ा ये बयान आया है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्या है आज के इस वीडियो में, जो आपका एग्ज़ाम है या कब तक हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आज का ये ई पेपर है और इसमें क्या योगी सरकार ने बोला है, आप इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो, लिखा गया है कि 30 जून तक नहीं होगा कोई सामूहिक कार्यक्रम। जी आप फ्रेंड्स, आप देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है कि 30 जून तक नहीं होगा कोई भी सामूहिक कार्यक्रम। अब सामूहिक कार्यक्रम से मतलब कि एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे नहीं रहेंगे और आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो इकट्ठे लोग मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे, तभी तो आपका एग्ज़ाम होगा। इसलिए जो आपका एग्ज़ाम है ये 30 मतलब जून में नहीं हो सकता है। जुलाई में संभव है कि आपका एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन जब तक कोरोना जो ये सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है तब तक आपका एग्ज़ाम कभी भी नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। तो देखते हैं आज का ई पेपर में क्या बोला गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि 30 जून तक प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक व सामूहिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसके बाद परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है कि ये भी नहीं बोला गया है कि जो आपका जो भी सामूहिक कार्यक्रम है वो जुलाई में करा लिया जाएगा। यहाँ साफ साफ बोला गया है कि ठीक है, आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अब देखिए, बहुत सारे फ्रेंड्स ये कहेंगे, मैम ये तो एग्ज़ाम से संबंधित नहीं है, इसमें तो कहीं ये नहीं बोला गया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ साफ साफ लिखा गया है सामूहिक कार्यक्रम, और जो एग्ज़ाम होता है वो एक ग्रुप में होता है, समूह में होता है, ना कि एक एक स्टूडेंट जाके एग्ज़ाम देंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इसलिए जो आपका एग्ज़ाम है वो जुलाई में ही होगा, या फिर जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता कि आपका एग्ज़ाम जुलाई में ही हो, ठीक है। आप देख सकते हो कि सीएम ने शुक्रवार की शाम प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई नई व्यवस्था न शुरू हो। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा गया है कि कल मतलब कॉन्फ्रेंसिंग था जिला अधिकारियों के साथ, उनमें कहा गया है कि योगी जी ने कहा कि कोई भी नई व्यवस्था शुरू, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कि 30 जून तक कोई भी सार्वजनिक सामूहिक व कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी, प्लस कोई भी नई व्यवस्था को शुरू न की जाए, ठीक है। तो जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक आपका एग्ज़ाम होना असंभव है, और मेरे को लगता है कि जुलाई में ही अब जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो डेली बेसिस पे नए डेली केसेस आ रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो जो आपका एग्ज़ाम है ये जुलाई में ही होगा, ठीक है। तो उसे कुछ नहीं करना है, आपको घर में सेफ रहना है और आप अपना स्टडी करते रहिए, ठीक है, घर में रहिए, सेफ रहिए। तो फिलहाल मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, क्योंकि जो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही परेशान है कि एग्ज़ाम कब होगा कब होगा कब होगा कब होगा, मतलब कब ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा ये कब भी ख़त्म हो जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपको इन्फो जरूर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।